कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर के संजय ड्राइव रोड का किया भूमि पूजन, साथ ही स्पार्क इन्व्यूवेशन सेंटर की वेबसाइट का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, सागरवासी अपनी रचनात्मक और पॉजिटिव सोच के साथ कराएं सागर का विकास। हमें सागर का कर्ज चुकाने का समय है। सागर के विकास में बजट की कमी नहीं होने देंगे। आपको ये वादा करता हूँ कि नगरी विकास विभाग का मंत्री होने के नाते सागर के विकास में कभी भी बजट की कमी में नहीं आने दूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप जितना एमपी के ग्वालियर में छुट्टी का मजा लेने घर जा रहे भाइयों पर मौत बनकर आई तेज रफ्तार कार। दो चचेरे भाइयों की हुई मौत, एक घायल। दाल बाजार में काम करते थे मृतक और घायल। जबलपुर में जेल प्रहरी की पत्नी ने खाया जहर। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर जबलपुर स्थित मायके में रह रही थी महिला। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर पति कर रहा था परेशान। महिला को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। घुमापुर पुलिस ने मामला लिया जांच में। भोपाल में सास के जेवरात और ससुर की पिस्टल लेकर प्रेमी के साथ भागी 4 साल की बच्ची की माँ। चोरी के बाद मुंबई में रहने लगी। दोनों को एमपी नगर थाना पुलिस ने पकड़ा। गहने और पिस्टल भी की जब्त। टीकमगढ़ में बस स्टैंड के पीछे पेड़ पर लटकता हुआ मिला एक युवक का शव। पुराना होने से पड़ गए थे कीड़े। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का बनाया पंचनामा। मामले की जांच की शुरू। बाघों से आबाद हुआ पन्ना टाइगर रिजर्व। अब यहां 70 बाघों का बसेरा। 20 से ज्यादा शावक मां के साथ अटखेलियों में दिखे मगर। खुरई के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर जुटी भीड़। हिमलासा में 100 लक्ष्य की जगह 240 लोगों को वैक्सीन लगाकर बनाया गया रिकॉर्ड। खुरई के रेंगवा गांव के पास अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने बाइक चालक को मारी टक्कर। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय किया रेफर। खुरई के सिविल अस्पताल में मृत हालत में लाया गया मजदूर का शव। अज्ञात कारणों के चलते हुई मजदूर की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच करी शुरू। खुरे के भीलोन गांव में खाना बनाते समय 23 साल की महिला आग से झुलसी, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय किया गया रेफर। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अमित नुनाब मनोज देवरिया टीकमगढ़ के प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से की मुलाकात। एमपी के सीहोर जिले के चंदेरी के एक समाज सेवी एमएस मेवाड़ा द्वारा कोरोना पर बनाया गया गीत सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सागर के संत रविदास वार्ड में विधायक शैलेंद्र जैन ने 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास। विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर जिला चिकित्सालय पहुंचकर नर्सिंग एसोसिएशन के धरने को किया संबोधित। मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का दिया गया नर्सों को आश्वासन। दमोह जिले के पथरिया में कोरोना से दिवंगत हुई आत्माओं की शांति के लिए पथरिया के मुक्तिधाम में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन किया गया था आयोजित। राजधानी भोपाल में कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन। चूल्हे पर खाना पकाकर रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ जताया आक्रोश। उज्ज्वला योजना में मिले सिलेंडरों पर जलाई अगरबत्ती। भोपाल में हमीदिया में नर्सेस की हड़ताल का 5वां दिन। नर्सेस को डीएमई से मुलाकात कल। एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष बोली, लिखित में मांगे पूरे करने का आदेश नहीं मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल।